उसके साथ मिलता नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मतलब डकी आप पे ही क्यों, सेकंड टाइम भी आप पे ही क्यों, मतलब हाँ, उस पे मुझ पे भी नहीं, शायद मेरी वीडियो से उसको ज्यादा फेम मिलता है। ये इनका बस चले तो अपना ही एक अवार्ड शो निकाल के अपने ही आपको बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द वर्ल्ड का इनाम दे दें। जी सबके पीछे पड़ा रहता है, सबके पीछे पड़ा रहता है, मेरे पीछे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, ये तो सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मल्टी वीडियोज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये जो टिकटॉक के किंग और क्वींस है वो किस शख्सियत के, किस जहन के मालिक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की शाम एलेक्स भट्टी के नाम। सबसे पहली बात यह कि डकी भाई ने इसके फेम का चार्ट डालना है। दूसरी बात यह कि जब लोग इसको सर्च करते हैं तो एलेक्स भट्टी के नाम से सर्च नहीं करते, टॉप 10 घुसरे इन पाकिस्तान सर्च करते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पे इसकी वीडियो आती है। Like, हम लोगों ने कौन सा उसको कुछ किया है या हमने कभी अपनी किसी वीडियो में उसको नहीं डाला या कुछ गाली गलौज की, क्योंकि हमें शायद तमीज है मे बी इसलिए। करेगा तेरी उल्टी पुल्टी सारी वीडियोस को मैं एल करूं, मैं तेरे। अच्छा इस भाई का कहना है कि मैंने डकी भाई को कोई गाली गलौज नहीं की, तेरी उल्टी पुल्टी सारी वीडियोस को मैं एल करूं, मैं। अच्छा अच्छा ये डकी भाई की तारीफ हो रही है, अपने ही गाना खुद ही भूल गया, अपना डिस रैप खुद ही भूल गए। लोग जो है छोटे छोटे पता नहीं मुन्ने चुन्ने मुन्ने चुन्ने मुन्ने चुन्ने मुन्ने चुन्ने बन जाते हैं कि उनको नजर नहीं आता जो चीज गलत है आप उसको वो नहीं देखते। सही बोल रहा है मेरे भाई, लोग यही तो देख रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारे अपनी वीडियो पे देख ले डिसलाइक कितने ज्यादा है, पाकिस्तान पे कार्ड बना दे डिसलाइक का और उधर डकी भाई का लाइक देख ले, तो लोग यही तो देख रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कि ये डकी मतलब बार बार टारगेट करता है, मतलब कभी आपको कभी किसी को, मतलब क्या मतलब उसकी शख्सियत है, क्या शख्सियत ही तो उसकी है ना, ये लगाते है ना वो आपको भी चार बातें कर रहे तो आप ना बोलो तो ये कैसे तो हो मतलब सकता है? आपकी ही टिकटॉक से मतलब मजे भी है, हाँ, और वो ना चस्का भी लेता है और जो गालियां भी लो। मुझे लगता है कि आपकी वो अब इंसान के अंदर की जो क्वालिटी है ना उसकी वो है ही, वो उसको अंदर से बंदा इस तरह के वो इससे हमेशा शो भी वो यही होता है। गुड हो गया जी, सबसे पहले तो हम एलेक्स भट्टी की क्वालिटी चेक करेंगे ना। इसकी कौन कौन सी क्वालिटी दिखाऊं मैं आप लोगों को, जिस तरह की इस बात से अंदाजा लगा लें कि इसने खुद कहा कि जिस तरह का बंदा होता है उस तरह का वो लोगों को शो करता है, मतलब कि जिस तरह ये शो कर रहा है लोगों को मतलब ये भी इस तरह का है, मतलब ये मानता है कि मैं खुसरा हूँ। यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे, शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगा ही रखो शुगर मेला। अभी और सुन, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा रहता है ये तो सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, नामा पहचाना बंदा तो है ये, क्योंकि जब इसकी कम्युनिटी के लोग लाइक खुसरे जब किसी के घर शादी हुई हो या बच्चा पैदा हो तो इसको साथ लेके जाते हैं, इसको साथ लेके जाने का यही फायदा है कि पैसे जल्दी मिलते हैं और ज्यादा मिलते हैं। और एक बात, खुसरा पूरी रात डांस करके किसी का अपनी पहचान ही बना पाता, लेकिन इसने 15 सेकंड की वीडियो बना के अपनी पहचान बना ली। नहीं ये क्वालिटी तो है इसमें, नो डाउट क्वालिटी तो है भाई। आप मुझे बता दें जो वो कॉन्सेप्ट बना रहे हो, मुझे लगता है सुनने में मुझे गलती लग रही है, मुझे कॉन्सेप्ट की बजाय कॉन्सेप्ट सुनने में आ रहा है। आप मुझे बता दें जो वो कॉन्सेप्ट बना रहे वो क्या बना रहा है, एक टांग 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 उठा लेगा और बस गाली गलौच ये जो इसमें लग, इस तरह तो ये भी मैं भी करूँ, मैं भी कहाँ से कहाँ चला जाऊँ, शुगर मिलेगा शुगर मिलेगा काम का काम हो गया। लेकिन एक घटियापन की ना वो इंतहा होती है ना, मुझमें ये हरकतें ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। गुड हो गया जी, हम लोग टांग उठाए तो इंतहा हो गई, और आप लोगों ने जो नरगिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, डकी भाई चुप करके बैठा हुआ था, उसने कोई रोस्टिंग नहीं थी करनी और ना ही वो कर रहा था इस तरह की, दोबारा तुम लोगों ने ये डिस रैप लगाया, फिर उसने जाहिर है रिएक्शन तो देना ही था ना।
खुद ही आप लोगों ने पहल की। मैं कोई डकी भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ अगर बैटल ही खेला तो जाके फौज में भर्ती हो जाओ ना, यहाँ क्यों झगड़े डाले हुए हैं। अगर किसी दोस्त को इस वीडियो से दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए दिली माजरत है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।